मैनपुरी जनपद के प्रभारी मंत्री राज्य मंत्री राजस्व अनुप्रधान मैनपुरी पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। गन्ना किसानों का भुगतान योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। गेहूं और धान का क्रय लगभग 568 लाख मैट्रिक टन खरीदने का काम किया, जिसके सापेक्ष 1,04,000 से भी अधिक का भुगतान किया गया। हमारी सरकार की मंशा है कि प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो और संचालित हो, और सरकारों की अपेक्षा हमारी सरकार और उससे बेहतर कार्य कर रही है। जिले में अगर कोई कमी मिलती है तो हम सब मिलकर उसको दूर करेंगे। हम सब जनता के लिए बने हैं, जनता को बेहतर करने का काम करेंगे और जनता को परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। 2017 की बात करें, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अच्छा करने का प्रयास किया है। जनता से बड़ा कोई नहीं होता। जनता का निर्णय था, 2014 में जनता जनार्दन के सहयोग से आए, 19 में भी फिर बने और 22 में भी फिर चुने गए। जनता की अदालत है, क्योंकि जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। अभी तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से की है, तो हमें जनपद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अभी समीक्षा बैठक की जाएगी, उसमें जो भी इश्यूज निकल के आएंगे मैं आपके सामने फिर पेश हो जाऊंगा, और जो भी इश्यूज होंगे उनके बारे में। राहुल गांधी की सदस्यता गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कानून का काम कानून को करने दो, ठीक है। माननीय न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया हमें उसका सम्मान करना चाहिए। देखिए, इसमें कोई दोरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी कई कई सदस्यों की सदस्यता अभी गई है। राजकुमार क्या नाम है, हमारे सैनी जी हैं जो विधायक जी थे, उनकी सदस्यता खत्म हुई है, चुनाव हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय न्यायालय के निर्णय पे हम सबको किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और अगर कहीं लग भी रहा है तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमें अपनी बात वहां जा करके रखनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसको बहुत ज़्यादा जो है तूल देने की कहीं आवश्यकता नहीं। पूर्व में भी इस तरह के उतरे, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, तो निश्चित इस तरह का मेरे हिसाब से कोई वो नहीं करना चाहिए। मैं भी कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 3-4 MLA आजम खान जी की सदस्यता समाप्त हुई है, तो राहुल गांधी जी की भी हो गई। जो कानून कानून का अपना काम है, तो कानून ने अपना काम किया, उनको 2 साल की सजा हुई है उसमें, तो जो उसका प्रावधान है वो तो उसमें पनिशमेंट हुई है, तो निश्चित ही होगा। सैनी जी रहे हैं जी, हमारे वहाँ से हमीरपुर से MLA थे, उनकी सदस्यता खत्म हुई है। सेंगर जी थे, उनकी खत्म हुई है। आजम खान जी की हुई है, तो राहुल जी की भी हुई है उसी क्रम में। तो मैं समझता हूँ इस पर जो है माननीय न्यायालयों पर हम सबको विश्वास रखना चाहिए, अपनी बात जहाँ कहनी है।